फ्री फायर में ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत लोगों को पता ही नहीं है, चाहे वो कितने भी नए प्लेयर हैं तब भी उन्हें नहीं पता, चाहे कितने भी पुराने प्लेयर हैं तब भी उन्हें नहीं पता। एंड अगर आप लोगों को ये चीज़ें पता हो जाती है तो कहीं ना कहीं आप लोगों को गेम में इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी एंड आप लोगों का टाइम भी बचेगा। तो ये कौन सी चीज़ें हैं आप लोगों को वीडियो में आगे देखने को मिलेगी, तो वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए। और अगर वीडियो को आज लाइक नहीं किया है तो कर देना, एंड चैनल पर नहीं हो तो जिन भाई लोगों ने सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज़ भाई लोगों को आज कर लेना। तो चलो अभी बिना टाइम वेस्ट किए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे देखो, सबसे पहले आप लोग नॉर्मली जब अपना आईडी मतलब वो चेक करते हो कि हमारे मतलब लेवल अप होने में कितना टाइम है, तो आप लोग सिंपली से यहाँ पे जाके लेवल पे टैप करते हो एंड यहाँ से अपना एक्सपीरियंस चेक करते हो कुछ इस तरह से। बट गाइज आप लोग बार बार आईडी खोलते हो एंड यहाँ से चेक करते हो, इससे अच्छा मैं आप लोगों को एक ईजी तरीका बताता हूँ। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आप लोगों को आईडी के साइड में थोड़ा सा व्हाइट व्हाइट लाइन नीचे दिख रहा है, यहाँ पे आप लोगों को देख लो। तो ये व्हाइट लाइन जब आप लोगों का पूरा हो जाएगा तो आप लोगों का लेवल अप सिंपली सा हो जाएगा। बट अगर आप लोगों को एक्यूरेट जानना है तब आपको तो वहीं से करना होगा, बट आप इस तरह से भी चेक कर सकते हो। बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती है, व्हाइट लाइन यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। तो अभी हम बात करने वाले हैं अपने सेकंड चीज़ के बारे में। सेकंड चीज़ में आप लोग सिंपली अपने मतलब जो गेम में कितने बंदे सामने अलाइव है क्लैश स्क्वाड में, ये आप कैसे चेक करते होगे? सिंपली से जहाँ पे टाइमिंग चलता रहता है ऑब्जेक्टिव 4 ऊपर में लिखा है वहाँ पे टैप करके एंड वहाँ पे आप लोग चेक करते हो कि सामने कितने बंदे अलाइव हैं। लेकिन गाइस आज मैं आप लोगों को सबसे इजीली तरीका बताता हूँ, जब आप लोगों को मतलब बार बार टैप करके वहाँ से चेक नहीं करना होगा। तो यहाँ पे ऊपर में देख सकते हो कि जीरो की तरफ इधर देख सकते हो कि एक मतलब बचा था, तो मतलब सामने एक बंदे अलाइव हैं एंड अभी एक भी नहीं है, तो देख सकते हो हम लोगों का विक्ट्री हो गया। मतलब सामने एक भी बंदे अलाइव नहीं है, अपने तरफ चार के चार फुल हैं यहाँ पे देख सकते हो, तो इसका मतलब अपने में चारों बंदे हैं। एंड अभी देख लो कि अभी चारों चारों दोनों तरफ हैं फुल, तो इस तरह से मतलब कि चार बंदे सामने भी हैं, चार बंदे इधर भी हैं। और अगर ब्लॉक का मतलब साइड साइड में ओनली रह जाता है तो मतलब इसका मतलब कि उसके एक बंदा डॉन है, मतलब जिस ब्लॉक में वो रहता है तो डॉन है। तो इस तरह से आप लोग जान सकते हो कि सामने कितने बंदे अलाइव हैं, आप लोगों को बार बार टैप नहीं करना पड़ेगा। तो अभी बात करते हैं थर्ड एंड लास्ट चीज़ के बारे में, जो कि अभी रिसेंट जो अपडेट आया था उसी में ये चीज़ हुआ है, बट बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं पता है। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि वो चीज़ क्या है। तो सबसे पहले देखो कि ये चेंजेस है कि हम लोगों को मैप में लॉग जो लगा रहता था मतलब उसे मूव नहीं कर सकते थे कस्टम यूड में, बट उसके बाद अपडेट के बाद ये चेंजेस हो गया कि आप इसे कहीं भी मूव करके ले जा सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो अब बस एक दो चीज़ ही हैं जो कि लॉक है, जैसे कि ये लूट का जो सेटिंग है तो अभी ये लॉक है बस। एंड मैप खुल चुका है तो आप लोग इसे कहीं पे भी जाके एडजस्ट कर सकते हो, जहाँ से आप लोगों को आसानी हो वहाँ पे लगा सकते हो एंड उसके बाद इजीली अपना गेम प्ले कर सकते हो। वैसे मैं तो प्रेफर करूँगा कि वहीं पर रहने दो, क्योंकि आप लोगों को इतने दिनों का आदत हो चुका है कि वहीं पर देख देख के खेलते हो, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट आप लोगों का मैंने आप लोगों को जो भी करना हो कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड उसी के साथ चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। उसी के साथ जिन लोगों ने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जाके इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, यहाँ पे आप लोगों को आईडी शो हो रही होगी। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।